हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। आतिशी मार्लेना सौरभ भारद्वाज बनाए गए आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ मंजूर। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ विधायक आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर देश की राष्ट्रपति ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया है। उधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में ताकतवर नेता में शुमार किए जाने वाले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से जेल में बंद सिसोदिया और जैन ने 28 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए बयान में बताया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया। आपको बता दें कि सिसोदिया और जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली कैबिनेट में दो पद खाली हुए थे, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर आतिशी और भारद्वाज के नाम की सिफारिश की थी। मेघालय और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने ली शपथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मेघालय और नागालैंड में नई सरकारों के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP के कॉनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कॉनराड संगमा ने दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस चुनाव में NPP ने अकेले 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में NPP को 26 सीटों पर जीत मिली है, जबकि UDP ने 11 सीटें जीती है और भाजपा के हिस्से में 2 सीट आई है। वहीं नागालैंड में नेफ्यू रियो ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। नागालैंड में इस बार भी भाजपा और NDDP ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने 59 सीटों में से 37 सीटों पर चुनाव जीता है, जिसमें भाजपा को 12, NDPP की 25 सीटें और 72 वर्षीय रियो ने ही इस गठबंधन का नेतृत्व किया था। भारत में चीन के 10 लाख जासूस, हर गतिविधि पर है ड्रैगन की नज़र, सरकार हुई अलर्ट। खबर है कि चीन की एक चालाकी अब सामने आ गई है, जिससे वह अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है। दरअसल CCTV के तौर पर भारत में चीन के करीब 10 लाख जासूस हैं और इसके जरिए वह देश की तमाम गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। चीन की इस नज़र पर केंद्र सरकार के IT मिनिस्ट्री की नज़र है। बीजिंग मेड इन चाइना CCTV से भारत की एक्टिविटीज पर अपनी निगाह बनाए हुए है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 10 लाख CCTV कैमरे मौजूद हैं, जो कि साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सस्ता होने के चलते भारत में चाइनीज CCTV की खरीद बड़े स्तर पर होती है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां इस मामले को लेकर अब सतर्क हो चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने चीन की तरफ से की जा रही संभावित जासूसी को देखते हुए उनके देश में बने हुए CCTV पर नकेल कसी है। अब मजदूरों पर नहीं होगा हमला, एक्शन में स्टालिन सरकार, अतिथि श्रमिकों की होगी गिनती, हिंदी में हेल्पलाइन भी। खबर है कि हाल ही के दिनों में तमिलनाडु और बिहार के मजदूर सुर्खियों में है। तमिलनाडु और बिहार दोनों ही राज्यों में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित मारपीट का मामला छाया हुआ है। इन सब के बीच खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने अतिथि श्रमिकों को आश्वस्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए जिलों में हेड काउंट शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य में श्रमिकों के लिए हिंदी भाषी अधिकारियों द्वारा संचालित हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों में होली के लिए घर जाने वाले श्रमिकों पर स्थानीय लोगों द्वारा हमलों के फेक वीडियो से मजदूरों के परिवार के लोग अभी भी घबराए हुए हैं। श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री CV गणेशन ने त्रिची में कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस अन्य राज्यों के श्रमिकों के साथ विशेष रूप से ईरोड, तिरुपुर, कोयम्बटूर और नीलगिरी में बातचीत कर रही है।
उन्होंने कहा कि कुछ का अनुमान है कि राज्य में लगभग 6 लाख अतिथि श्रमिक हैं। सरकार ने सभी जिलों में एक सर्वेक्षण का आदेश दिया है। गणेशन ने कहा कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अतिथि श्रमिकों के साथ स्थानीय श्रमिकों जैसा ही व्यवहार किया जाए। स्थानीय लोगों द्वारा हमलों की अफवाहों का मुकाबला करने के लिए प्रशासन राज्य के विभिन्न स्थानों पर अतिथि श्रमिकों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था और कह रहा था कि अतिथि श्रमिकों को कोई समस्या नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कोयंबटूर के जिला कलेक्टर क्रांति कुमार ने कहा कि औद्योगिक निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे अतिथि श्रमिकों का विवरण labor.tn.gov.in/ism में दर्ज कराएं। पूर्व एम्स प्रमुख ने कहा, कोरोना की तरफ फैलता है इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस, बुजुर्गों को बरतनी चाहिए सावधानी। देश में इन दिनों वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आने वाले दिनों में इन मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस कोरोना वायरस की तरफ फैलता है और यह मौसम इस वायरस के म्यूटेट होने के लिए अनुकूल है। उन्होंने त्योहार के चलते बुजुर्ग लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इन्फ्लुएंजा H3N2 से ग्रसित मरीजों को गले में खराश, खांसी, शरीर में दर्द और नाक बहने की शिकायत होती है और यह वायरस तेजी से म्यूटेट हुआ है जिसके कारण इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। उन्होंने कहा कि H1N1 की वजह से कई साल पहले महामारी फैली और H3N2 उसी वायरस का स्ट्रेन है जो कि एक सामान्य इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन ही है। कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में यह संक्रमण फैल रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस के एक परिवार से आता है जो अपने विभिन्न उप प्रकारों के आधार पर म्यूटेट होता है। लंदन में राहुल गांधी बोले, यह कहना कि कांग्रेस चली गई ये एक हास्यास्पद विचार है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर बरसे हैं। बता दें कि लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को विश्वास है कि वह हमेशा भारत में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और ये कहना कि कांग्रेस चली गई है ये एक हास्यास्पद विचार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर आप आज़ादी से लेकर अब तक के समय को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर समय सत्ता में रही है। बीजेपी के 10 साल सत्ता में रहने से पहले हम 10 साल सत्ता में थे। राहुल ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप के आकार का 3 गुना है और अगर यह लोकतंत्र टूट जाता है तो यह पूरे ग्रह पर लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम। केजरीवाल बोले, वो देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंच गई है। ये पहली बार है जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। बता दें कि ईडी की इस पूछताछ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। सिसोदिया ने गरीबों तक शिक्षा पहुंचाई। मनीष और सत्येंद्र देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि देश के PM देश को लूटने वालों का साथ देते हैं, वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला कोई नहीं बचता है। मैं होली वाले दिन देश के लिए पूरा दिन प्रार्थना करूंगा, देशवासी भी मेरे साथ भगवान का ध्यान करेंगे। सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा अतीक के एक लड़के की हो जाएगी हत्या। बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की सरेआम हत्या के मामले में आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद के नाबालिग बेटों के बचाव में समाजवादी पार्टी आ गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल वर्मा ने कहा कि अतीक के एक लड़के की हत्या हो जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाते हुए सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने कहा कि प्रयागराज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं। रामगोपाल ने कहा कि दबाव है कि मारो जो पकड़ में आ जाए। अतीक अहमद के स्कूल में पढ़ने वाले 2 नाबालिगों को तो पहले ही दिन पकड़ ले गए, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी, आप देख लेना।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया महंगाई भत्ता बढ़ाने से इनकार, कहा मेरा सिर काट लो। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास और अधिक महंगाई भत्ता देने के लिए रुपए नहीं है और प्रदर्शनकारी अगर उनका सिर भी काट लें तब भी और महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता। राज्य में विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों को 105% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। हमारी सरकार के पास और अधिक महंगाई भत्ता देने के लिए फंड नहीं है। हमने 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। आप और कितने में संतुष्ट होंगे? यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है तो मेरा सिर काट ले लीजिए, लेकिन इससे अधिक महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता है। फिर से कोरोना का संकट, एक सप्ताह में 1898 नए केस, बढ़ सकता है खतरा। भारत में एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दिखी जा रही है। देश भर में पिछले हफ्ते 1898 नए कोरोना के केस रिकॉर्ड किए गए, हालांकि अभी कुल मामलों की संख्या काफी कम है। आपको बता दें कि बीते रविवार को 63% की वृद्धि कोरोना केस में देखी गई, जबकि इसके पिछले हफ्ते में 39% की वृद्धि देखी गई थी। नए मामले अधिकांश दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में सामने आए हैं। नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह इसी तरह से बढ़ती रही तो चिंता का कारण हो सकती है। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को लिखी चिट्ठी, कहा जिंदगी में फीके पड़ गए रंगों को वापस करूंगा। महाठक सुकेश चंद्रशेखर का लिखा हुआ एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जेल में बंद सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली के मौके पर लिखे गए पत्र में जैकलिन को लेकर सुकेश ने कहा है कि आप सबसे शानदार अद्भुत इंसान मेरी जैकलिन, मैं आपको होली की बधाई देता हूँ। रंगों के इस त्योहार के मौके पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जीवन में जो रंग फीके पड़ गए हैं या गायब हो गए हैं उन्हें मैं 100 गुना करके आपको वापस करूंगा। आपको बता दें कि सुकेश ने अपने इस लेटर में उसके परिवार, समर्थकों, दोस्तों और उससे नफरत करने वालों को भी होली की बधाई दी है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हिमपात भी संभव है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक दो जगहों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। आज का सुविचार, हमारे व्यक्तित्व का बदलाव हमारी सोच से ही प्रारंभ होता है। यदि हम अपनी सोच को बदल दें तो हमारी वाणी और कर्म खुद ही बदल जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।